हनुमान जयंती पर गांव लूलाहीर का एक हनुमान यादव नामक किसान शनिवार की शाम को बिजली के टावर पर कई फुट ऊपर जा चढ़ा और मांगे नहीं माने जाने पर जान देने की धमकी दी। जैसे ही यह खबर गांव में फैली तो मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग समझाते हुए नीचे उतारने की सलाह दे रहे थे तो कुछ लोग तमाशा बने देख रहे थे। पल पल उसकी जान को खतरा बना हुआ था और तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जानकारी के अनुसार गांव लूलाहीर के किसान हनुमान यादव के खेत में से न केवल हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं बल्कि उसके खेत में टावर भी लगा हुआ है। बिजली की तारें इतनी ढीली हैं कि खेत में ट्रैक्टर चलाते समय खतरा बना रहता है। इसकी शिकायत उसने कई बार बिजली अधिकारियों से की थी लेकिन जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज उसने कठोर निर्णय ले लिया और खेत में लगे हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया और काफी ऊपर तक जा पहुंचा। उसने मांग की कि उसके खेत से तार व टावर हटाया जाए ताकि वह बेखौफ होकर खेती कर सके। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी खबर लगी तो धीरे धीरे मौके पर भीड़ जमा होती गई। लोगों ने समझाया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि उसकी समस्या का समाधान नहीं होने तक वह नीचे नहीं उतरेगा। सूचना पाकर नारचौकी पुलिस के अधिकारी किशोर कुमार दलबल मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला लिया गया। तत्पश्चात किसान हनुमान टावर के नीचे उतरा तब कहीं जाकर पुलिस, ग्रामीण और परिजन ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारी किशोर कुमार ने कहा कि किसान की मांग जायज थी। उसने इतनी शिकायत कई बार विभाग को की थी। मौके पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला लिया गया था। उसने ठोस आश्वासन के बाद वह नीचे उतरा।